सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी सुलेख की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज भी हम फिर से कुछ कठिन शब्द करेंगे जिसके उच्चारण और लेखन में हमें थोड़ी सी दुविधा होती है। हमारा पहला शब्द है इम्तिहान। इम्तिहान होता है परीक्षा। दूसरा है स्वदेश। स्वदेश, स्वदेश का मतलब है जैसे कोई वस्तु हमारे ही देश में बनती है उसको स्वदेशी कहेंगे। निरक्षर, निरक्षर, यदि कोई कभी स्कूल नहीं गया और उसने कुछ नहीं पढ़ा तो उसको बोलेंगे निरक्षर। स्त्री, स्त्री को आप इंग्लिश में आरंभ बोलते हैं। स्त्री और स्त्री, इसका उच्चारण अलग अलग होता है। कृपण, कृपण। सर्वत्र, जैसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक हैं, यानी कि भगवान सब जगह पर हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है बड़ा। तुच्छ, प्रस्थान, प्रस्थान होता है किसी जगह से जाना, उसको बोलते हैं प्रस्थान। संक्षिप्त, जैसे आपके प्रश्न, जब प्रश्न पत्र आता है आपका तो उसमें कुछ कुछ प्रश्नों के आपने उत्तर छोटे देने होते हैं तो उसको संक्षिप्त बोलते हैं, संक्षिप्त। मृदु, मृदु। निर्दयी, इनको आप पोल बोलकर लिखेंगे, इसका उच्चारण भी करेंगे और साथ साथ लिखेंगे। नम्रता, यानी कि विनम्र होना, विनम्रता से जो बात करते हैं नम्रता। ईर्ष्या, ईर्ष्या। जिज्ञासा, जिज्ञासा बोलते हैं कुछ जानने की इच्छा। तो ऐसे ही आपने ये शब्द बोल बोल कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं और इनको अच्छे से लिखना है। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।